शत्रु थक गया क्योंकि वह ब्राह्मण ईश्वर के अधिकारों पर विचार चल रहा था। पूर्वक्ष ने कहा था ननु विपरीत सिद्धम इदम अभिधीयते द्रष्टुर सा दृष्टि न विपरिलुप्यते न ही द्रष्टुर दृष्टि विपरिलुप विद्यते अविनाशित जो वाक्य है उसके ऊपर विचार है। विरोध कहा जाता है गुरुवारी होता विरोध है कैसे द्रष्टु सा दृष्टि वह दृष्टि दृष्टा की है न विपरिलुप्यते वो दृष्टा की दृष्टि बोलना फिर लोप नहीं होता बोलना विरोध है क्यों दृष्टि से दृष्टा क्रिया के दृष्टि जो है दृष्टा के द्वारा किया जाता है जो किया जाता है कार्य होता है जो कार्य होता है अनित्य होता है तो दृष्टा की जो दृष्टि है नहीं दृष्टुर दृष्टेर विपरिलोको विद्यते कैसे बोलना अभाव हो जाता है उसका जो दृष्टि करता कोई तो दृष्टा बोला जाता है जो दृष्टि को करने वाला है उसको दृष्टा बोला जाता है कार्य है दृष्टि फिर अभाव कैसे उसका अभाव नहीं होता क्यों कहा एक पूर्वादि की कहना दृष्टि से दृष्टा क्रिया नहीं दृष्टा के द्वारा किया जाता है दृष्टि कर्तृत्वाधि दृष्टा यदि उचित है दृष्टि के कर्ता होने से ही उसको दृष्टा बोला जाता है तो क्रियामाला दशा दृष्टि न विपरीत असंख्य महत्व दृष्टि क्रियामाण है कार्य है और उसका अलोप नहीं होता ऐसा नहीं कहा जा सकता पूर्व पक्ष बोल रहा है तो सिद्धांत कहते हैं नौ न विपरीत इति वचनात् अविनाशी स्यात् सिद्धांत की जो एकदेशी बोला न विपरीत ऐसा कथन है ना वहाँ नहीं दृष्टु दृष्टि विपरीत विद्यते अविनाशी तो बोला है विपरीत का अभाव बताया इसी वचन के कारण अविनाशी मानव दृष्टि को विनाशी मत मानो तो पूर्व पक्ष होता न वचन से ज्ञापक वचन जो होता है कारक नहीं होता ज्ञापक होता है जो वस्तु जैसा वैसे मत बोलता है नहीं न्याय प्राप्त हो विनाश कृतक वचन सदे ना भी बार तुम सकते युक्ति से प्राप्त है विनाश यद कृतकम तद अनित्य व्याप्ति है जो कार्य होगा विनाशी होता है तो कार्य ऐसे जो अनुमान से जो सिद्ध है जो कार्य होता है विनाश होता है और चाहे सैकड़ों वचन हो यहाँ भी एक ही वचन है नहीं दृष्टि दृष्टि विनाशी तो सौकड़े वचन हो तब भी बार तुम न सकते उसको उसको न रोक नहीं सकता युक्ति संगत जो अनुमान है उसको रोक नहीं सकता वचन वचन से यथा प्राप्त ज्ञापन वचन जो होता है जैसे उसे जैसा है वैसे बोल देता है इतना काम है वचन का काम इसकी टीका चल रही है दृष्टो दृष्टि नश्यति इत्यत्र विरोधम जो नहीं देगा दृष्टा की दृष्टि का नाश नहीं होता इस विषय में विरोध की शंका करता है पूर्वादी दृष्टा की दृष्टि बोलना फिर नाश नहीं होना बोलना इत्यादि समय कहा था ठीक है हम कहते हैं विप्रतिषेधमपसारति विरोधी सिद्ध करता है पूर्व कैसा दृष्टि से दृष्टा क्रियते ही कहा दृष्टि जो है दृष्टा से किया जाता है जो किया जाता है वो कार्य होता है जो कार्य होता है अनित्य होता है दृष्टि कर्तृत्व आदि दृष्टा होते दृष्टि के कर्ता होने से तो दृष्टा कहा जाता है उसको क्रिया मानता दृष्टा दृष्टि दृष्टा के द्वारा दृष्टि की जाती है और न विपरिलुप्यते इति एक तरफ दृष्टा के द्वारा किया जाता है बोलना दृष्टि को और दूसरा उसका अभाव नहीं होता बोलना कार्य का अभाव होता है असंख्यम भक्त ऐसा बोला नहीं जा सकता एक पूर्वाज ने कहा कार्य से आप वचनाद अविनाश से आदि संकते सिद्धांत के एकदेशी बोलता है कि कार्य होने पर भी वचन श्रुति वचन है नहीं दृष्टुर दृष्टि विपरिलुप्यते अविनाशित ऐसा कहा है कार्य होने पर भी श्रुति वचन के कारण वचनात् अविनाश से विनाश न हो दृष्टि की शंका दे एक देशी शंका करता है क्या है ननु करके एक देश सिद्धांत की ओर से शंका है ननु न विपरिलुप्यते इति वचनात् लोप नहीं होता ऐसा कहा है श्रुति में अविनाशी जिसे अगर दृष्टि अविनाशी नहीं हो पूर्व पक्ष बोलेगा ननु बोलेगा ठीक है तस्य अकारकत्वात् नैव इति पर वचन है ना कारक नहीं है ज्ञापक है तस्य मन वचन से सात नंबर टिप्पणी वचन से अकारकत्वा नैव ऐसा मत बोलना वचन होने से अविनाशी हो जाए दृष्टि ऐसा नहीं परिहरति पूर्वांश पूर्वपक्ष खंडन करता है इसका न वचन से इत्यादि कहा न वचन से ज्ञापकत्वा वचन होने मात्र से वो कारक नहीं है ज्ञापक है वो ज्ञापक होता है तदेव स्फुट
वचन ज्ञापक होता है, कारक नहीं होता ईश्व ही। तदेव आठवीं टिप्पणी में बताया अकारकत्व में वचन कारक नहीं है ना, अकारक है। ईश्व स्पष्टीकरण करता नहीं कहा, नहीं न्याय प्राप्त हो विनाश होना कृतक है, जो कृतक होगा कार्य होता तो विनाश होता है, ये अनुमान से सिद्ध है। यदि कृतकम तद अधिकतम व्याप्ति है, वचन से देना विवादित न सत्य देगा, सैकड़ों वचन आ जाए तब भी उसको युक्ति से सिद्ध, जो अनुमान से सिद्ध है, जो कार्य होता अनित्य होता है विनाश होता है उसको कोई रोक नहीं सकता सैकड़ों वचन से। वचन से यथा प्राप्त अर्थ ज्ञापक, वचन यथा प्राप्त जो विषय है जैसा आया उस विषय को बोलने वाला होता है। ठीक है, मुझे यदि कृतकम तद अनित्यम यदि व्याप्ति अनुग्रहित अनुमान विरोधा यही है, यदि कृतकम तद अनित्यम वैसे बाहर क्या है व्याप्ति है संबंध है, जो कार्य होगा विनाश होगा, दृष्टादि द्वारा किया जाता तो दृष्टि कार्य है, यदि अनुग्रहित अनुमान ये अनुमान से विरोध होने से बचो न कार्य नित्यत्व बोधकम, कार्य को नित्यत्व का बोधक नहीं होता है, या कार्य दृष्टि है उसको नित्य सिद्ध नहीं कर सकता। ये बचा इसके आगे सिद्धांत बोलते हैं टीका से देखना, कूटस्थ दृष्टि रेव अत्र दृष्टि शब्दार्थ हो न दृष्टि करता तन्न विप्रतिषेधो अस्तित्व सिद्धांत का। देखो कूटस्थ जो दृष्टि है निर्विकार दृष्टि है वह दृष्टि को या दृष्टा शब्द करता दृष्टि ही है, दृष्टा और दृष्टि में भेद नहीं है, माने विशेषण विशेष स्वभाव है दृष्टारूप दृष्टि ऐसा। कूटस्थ दृष्टि रेव अनित्य दृष्टि नहीं, नित्य दृष्टि कूटस्थ दृष्टि निर्विकार दृष्टि को ही दृष्टा शब्द से कहा, नहीं दृष्टुर दृष्टि विप्रणो दृष्टि शब्द का अर्थ दृष्टि ही है, दृष्टि से भिन्न नहीं है वो, दृष्टि उत्पादन नहीं, दृष्टि को ही यहाँ दृष्टा और दृष्टि को अभेद करके कहा गया यहाँ यही कहते हैं। कूटस्थ दृष्टि रेव अत्र मान इस मंत्र में दृष्टि शब्दार्थ हो दृष्टा दृष्टा शब्द का अर्थ कूटस्थ दृष्टि ही है यहाँ, न दृष्टिकर्ता दृष्टि करने वाले को नहीं, जैसे घटकर्ता होता है ऐसे दृष्टि बनाने वाले को दृष्टा नहीं बोला यहाँ, कूटस्थ दृष्टि को ही दृष्टा बोला तब न विपरीत, इसलिए विरोध है ही नहीं, यदि दृष्टि को उत्पन्न करता तब विरोध होता कार्य होने से नाश होता, ये दृष्टि नित्य दृष्टि है, दृष्टि और दृष्टा में अभेद है एक ही है, दृष्टा को या दृष्टि शब्द से कहा ये सिद्धांत है दी, इसी को सिद्धांत और सिद्धांत भी बोलते हैं कहा, नहीं सदोषा सिद्धांत कहा, ये कोई दोष नहीं है, क्यों आदित्यादि प्रकाशकत्व दर्शन हो पत्ते हैं, जैसे आदित्यो प्रकाश इति बोलते हैं तो वहाँ प्रकाश का प्रकाश क्रिया का जनक आदित्य नहीं है, क्यों नित्य प्रकाश वाला है, यदि अनित्य प्रकाश वाला होता तो उस स्थिति में आदित्य प्रकाश है शब्द का प्रयोग करना गलत होता, वो नित्य प्रकाश वाला है, तो आदित्य प्रकाश है जैसा बोला जाता है, आदित्य प्रकाश करता है सूर्य प्रकाश करता है जैसा बोला जाता है, नित्य प्रकाश रूप होते हुए प्रकाश है क्रिया का प्रयोग हुआ, यही नहीं कि अनित्य प्रकाश वहाँ नहीं है, ठीक इसी प्रकार यहाँ दिए जाते हैं सिद्धांत ये बोलते हैं आदित्यादि आदित्य उस दीपक आदि है आदि से आदित्यादि प्रकाश का ध्वज आदित्यादि के जो प्रकाश के समान दर्शनों को तो यहाँ भी दर्शन माने दृष्टि सिद्ध हो जाता है, दृष्टा की दृष्टि सिद्ध हो जाती है नित्य दृष्टि सिद्ध हो जाती है। यथा इसी को व्याख्या करते यथा आदित्य नित्य प्रकाश स्वभाव एवं संत आदित्यादि जो होते हैं आदित्य है दीपक है जितने प्रकाशमान पदार्थ हैं वह चंद्र सूर्य आदि जो होते हैं यथा आदित्यादयो नित्य प्रकाश स्वभाव एवं संत नित्य प्रकाश स्वभाव स्वरूप होते हुए प्रकाश स्वरूप ही है आदित्यादि होते हुए स्वाभाविक नित्य प्रकाश है प्रकाश रहते अपने स्वाभाविक जो नित्य प्रकाश है उसी के द्वारा प्रकाश करते हैं किंतु प्रकाश है की क्रिया पद का प्रयोग हो जाता है नित्य प्रकाश में ठीक है प्रकाश है प्रकाश करते हैं जैसे आदित्यादि जो है नित्य प्रकाश स्वभाव वाले हैं स्वभाव आएगा संध्या ऐसे होती हुई है स्वाभाविक है ना नित्य रेव प्रकाश है स्वाभाविक जो नित्य प्रकाश है उसी के द्वारा प्रकाश है दे प्रकाश करते हैं स्वाभाविक नित्य प्रकाश के द्वारा ही प्रकाश करते हैं कि वहाँ प्रकाश में और आदित्य में भेद नहीं है प्रकाश क्रिया उत्पन्न नहीं करते प्रकाश उनका स्वरूप है ठीक इस प्रकार यहाँ संबंध का पाँच और छः की टिप्पणी देखना पाँच में नए सदोष है सिद्धांत ने कहा था भारतीय केतु दृष्टु दृष्टि समानाधिकरण ष्ठ हो दृष्टारूप दृष्टि
दृष्टा की दृष्टि ऐसा नहीं, दृष्टा स्वरूप दृष्टि समानाधिकार षष्टि दृष्टु दृष्टे समानाधिकार षष्टि दृष्टे दृष्टु इत्यस्य विशेषण दृष्टि जो है दृष्टा का विशेषण बनाया भारतीकार ने ये कहते हैं दृष्टे ये पद है दृष्टा का विशेषण है तथा च दृष्टि रूप से द्रष्टु दृष्टि रूप द्रष्टु भाष्यकार के दृष्टारूप दृष्टि किंतु भारतीकार कहते हैं दृष्टि रूप द्रष्टा एक ही दृष्टि इतम अर्थ अत्र वर्णित ये अर्थ यहाँ भारत में वर्णित हुआ है ये कहा वर्णन हुआ है प्रकाशयंती इत्येवं प्रकाश कर्तृत्व उच्चन्ते नित्य प्रकाश स्वभाव वाले होते हुए आदित्य आदि को प्रकाशयंती करके बोला जाता है प्रकाशन कुर्वन्ति ऐसा प्रयोग हो जाता है प्रयोग किया जाता है ठीक है प्रकाशयंती जो कहा प्रकाश कर्तृत्व ने उच्चन्ते नित्य प्रकाश वाले होकर भी उनको प्रकाशकर्ता कहा जाता है घट आदि को प्रकाश करते आदित्य आदि बोला जाता है नित्य दृष्टि स्वभाव होने पर भी ऐसे ही हानि है ये नहीं अनित्य प्रकाश उत्पन्न नहीं होना दृष्टि उत्पन्न नहीं होना ये समझ रहा है बात नहीं आज भाष्य में कहते नहीं अप्रकाश अप्रकाश केशु नहीं अप्रकाश पाद अप्रकाश अप्रकाश अप्रकाशात मन संत प्रकाशन कुर्वंत अप्रकाश भी उचित ऐसा नहीं कहा जाता है वो अप्रकाश स्वरूप हो पाए बाद में प्रकाश वाले होकर के प्रकाश करते हैं आदित्य आदि ऐसा नहीं कहा जाता प्रकाश स्वरूप ही हमेशा किमता ही पूर्वाधिपद क्या है तो कहा स्वभाव नित्य प्रकाश है तो प्रकाश है यही स्वभाव उनका स्वरूप ही है प्रकाश नित्य जो प्रकाश है उसी के द्वारा आदित्य आदि प्रकाश करते हैं आदित्य प्रकाश है जैसे प्रयोग होता है यहाँ भी द्रष्टु दृष्टि दृष्टि शब्द यहाँ क्रिया नहीं या अवेर है नित्य दृष्टि है वो तथापि अयम आत्मा तथा अयम भी आत्मा याद जैसे आदित्य आदि नित्य स्वभाव वाले होकर के नित्य स्वभाव के द्वारा ही प्रकाश करते हैं दूसरों को इसी प्रकार अयम आत्मा या आत्मा भी अभिपरिलुप्त स्वभाव या दृष्टि यहाँ जैसे उनके पास स्वभाव प्रकाश स्वरूप है इस प्रकार दृष्टि स्वरूप जो आत्मा है ये कहना चाहते हैं तथा अयम अभी आत्मा या आत्मा भी अभिपरिलुप्त स्वभाव या दृष्टि जिसके कभी अभाव नहीं होता ऐसे दृष्टि के द्वारा जैसे आदित्य में कभी प्रकाश का अभाव नहीं होता कभी प्रकाश अयंती का प्रयोग किया जाता है ठीक इसी प्रकार यहाँ भी ये आत्मा भी अभिपरिलुप्त स्वभाव या दृष्टि जिसके कभी अभाव नहीं होता ऐसे दृष्टि के द्वारा नित्य नित्य या नित्य दृष्टि है दृष्टा इति उच्यते ऐसा आत्मा को दृष्टा कहा जाता है वास्तव में दृष्टि का कर्ता होकर के दृष्टा नहीं है दृष्टि स्वरूप आत्मा को दृष्टा कहा जाता है गौणम तरी दृष्टित्व अवगत है तब तो गौण होगा आत्मा जब दृष्टि को कर्ता नहीं बनता दृष्टि का कर्ता नहीं है दृष्टि रूपी है तो फिर आत्मा में जो दृष्टा बोल दिया गौण होगा ये शब्द मुख्य नहीं होगा ये पूर्वाधिक शब्द गौणम तरी तब तो दृष्टित्व गौणम आत्मा में दृष्टित्व धर्म गौण होगा क्योंकि मुख्य नहीं बन पाया क्यों दृष्टि कर्ता तो है नहीं आत्मा आपके हिसाब से दृष्टि रूप है वो तो फिर कर्ता बोल दिया दृष्टा में दृष्टिकर्ता अर्थ होता है तो ये गौण पद है गौण पर कर दिया ये पूर्वाधि कहा एक नंबर टिप्पणी कहा तरी नित्य दृष्टित्व आत्मनो दृष्टित्व यही तरीका नित्य दृष्टि स्वरूप होने से आत्मा यदि दृष्टा माना जाता है जैसे आदित्य में नित्य प्रकाश स्वरूप होता है प्रकाश यदि बोला जाता इसी प्रकार नित्य दृष्टि स्वरूप दृष्टि स्वरूप होने पर भी दृष्टा यदि कहा जाता तो कौन होगा ये पूर्वादि करना टिप्पणी में बोल रहे गौणमिति बिना विकार प्रकाशकम गौण मन क्या है बिना विकारम प्रकाशकत्वम यही बिना विकार के ही प्रकाश कर रहे गौण मुख्य नहीं विकृत हुए बिना विकृति हुए बिना ही प्रकाश करना गौण माना जाएगा क्यों दृष्टि का कर्ता तो बनाने आत्मा दृष्टि स्वरूप बोल दिया तो फिर प्रकाश यदि बोल दिया तो कहेगा यही है गौणम यदि गौण बदका यही है कि बिना विकारम प्रकाश करता हूँ बिना विकृत हुए ही प्रकाश करता हूँ ये गौण है अग्निर्माणवक यदि बस गौणम व्यवस्था न तो मुख्य इतिहास है पूर्वाधिक कारण जैसे एक बालक को अग्नि कहा जाता है तो बालक अग्नि नहीं है
प्रयोगकर्ता भी जानता है अग्नि नहीं है, किंतु अग्नि के सादृश्य कुछ इसमें है, तेजस्वी बना है, जैसे अग्नि तेजस्वी वैसे ही लेकर के अग्निर्भाव को बोल दिया जाता है। तो वास्तव में मुख्य शब्द नहीं है, अग्नि नहीं है, अनग्नि में अग्नि प्रयोग किया जो गौण होता है। इसी प्रकार यहाँ भी जो दृष्टिकर्ता नहीं है उसको दृष्टा बोल दिया, गौण प्रयोग हो रहा है। ये पूर्वादि की शंका में आया, पूर्वादि की शंका है। गौणंतरी दृष्टित्व तो सिद्धांत कहते हैं नैवम ना, ऐसा नहीं, एवं एवं मुख्यत्व पद, इसी प्रकार मुख्यत्व सिद्ध होगा आत्मा में। गौण दिखाने के लिए अन्य मुख्य दिखाना पड़ेगा कहीं, आत्मा में मुख्य कोई और मिलेगा नहीं। जैसे बच्चे को गौण कहने के लिए अग्नि कहने के लिए मुख्य अग्नि अन्यत्र है, क्या गौण प्रयोग होगा अग्नि शब्द, इस प्रकार आत्मा अन्यत्र है ना, यही कहना चाहते हैं ना। ये गौण नहीं है आत्मा को दृष्टा बोलना, उस काल में दृष्टि रूप आत्मा को दृष्टा बोलना गौण नहीं। एवं एवं मुख्य तो इसी प्रकार ही मुख्य सिद्ध हो जाता है आत्मा में। एक दो नंबर की टिप्पणी में कहा नित्य दृष्टित्व नहीं बा, एवं जो नित्य दृष्टि स्वरूप होने से ही वो मुख्य हो जाता है, मुख्य है आत्मा में जो दृष्टा शब्द प्रयोग हुआ है दृष्टि रूप दृष्टा। सुश्रुतिकाल ने आत्मा में कहा मुख्य है कहा, यदि ही अन्यथा भी आत्मा में दृष्टित्व, यदि आत्मा में अन्य प्रकार से भी दृष्टित्व आता तो दृष्ट ऐसा देखा हुआ होता दृष्टित्व दृष्टम तदा अश दृष्टित्व से गौणत्व, इस आत्मा में अभी जो गौण दृष्टित्व कहा गया सुषुप्ति अवस्था में उसको दृष्टित्व गौण माना जाता। न तो आत्मा ने अन्य दर्शन प्रकार वस्ती, आत्मा कोई अन्य कोई दर्शन प्रकार ही नहीं, आत्मा का प्रकाश करने का यही है दृष्टि स्वरूप दृष्टा होकर के प्रकाश करता है आत्मा, प्रकार अन्य कोई है नहीं। चार और पांच की टिप्पणी में कहा इसको चार में कहते हैं कूटस्थ दृष्टि रूप से, आत्मा क्या है आत्मा कूटस्थ निर्विकार दृष्टि स्वरूप आत्मा है, दृष्टि और दृष्टा में भेद नहीं है। पांच में कहते हैं आगे गौणत्व दृष्टित्व से न गौणत्व है दृष्टम तदा अश दृष्टित्व गौणत्व, तब इस आत्मा में गौणत्व दृष्ट होता है। यदि आत्मा का मुख्य दृष्टित्व अनित्य सिद्ध होता है यह गौण सिद्ध होता है, किंतु बोलना चाहते हैं पांच में कहा शायद अन्यत्र हो ये गौण हो सका। न तो आत्मनो अन्य दर्शन प्रकार अस्ति, आत्मा से भिन्न कोई दर्शन प्रकार है नहीं, आत्मा को जानना तो नित्य दृष्ट नित्य दृष्टि स्वरूप के द्वारा ही जानना है, अन्य प्रकार है नहीं। तद एवं एवं मुख्यम दृष्टित्व होते हुए जो दृष्टित्व है मुख्य सिद्ध होता आत्मा में, क्यों दृष्टि स्वरूप दृष्टा है, दृष्टा की दृष्टि ऐसा अर्थ नहीं है, व्यधिकरण नहीं है, समानाधिकरण है व्यधिकरण चाहते हैं, नाम्यता अन्य प्रकार नहीं हो सकता दृष्टित्व आत्मा। एक नंबर की बढ़ने का इधर प्रतीचो अक्रिय बोधस्य, आत्मा जो है क्रिया नहीं होती उसमें, ज्ञान स्वरूप है अक्रिय है ज्ञान स्वरूप उसका, सन्निधि मात्रेण सर्व जगत प्रतीति रेव तद्भाषकत्व, आत्मा में प्रकाशकत्व तो क्या है, आत्मा प्रकाश करता है किस रूप से, सन्निधि मात्र से सर्व जगत प्रतीति, संपूर्ण जगत आत्मा के सन्निधि मात्र से सारे जगत की ज्ञान होता है, आत्मा नौन पर जड़ पदार्थ ज्ञान आत्मा के सन्निधि मात्र से होता है, यही है प्रकाशकत्व आत्मा में तद्भाषकत्व। न तो तद विकार द्वारा जगत प्रकाशकत्व आत्मा में विकृत होकर के नहीं, तद अनुत्थान विकार आत्मा में हो नहीं सकता। न तो अहम स्वप्न जागरांतराले दुखादि अनुभव शून्य तत्कालीन तदीय स्मरण विधेयत्व पाषाण विधि, पूर्वादि बोलेगा अनुमान दे गया आत्मा कैसा, न अहम स्वप्न जागरांतराले दुखादि अनुभव शून्य, ये अहम माने मैं पक्ष बनाना इसको अनुमान पूर्वादि का अनुमान है। स्वप्न जागरांतर स्वप्न और जागृत के अंतराल अवस्था सुषुप्ति अवस्था है, स्वप्न जागरांतराले उस अवस्था में दुखादि अनुभव शून्य, दुखादि अनुभव नहीं शून्य रहा है उस काल में, दुखादि अनुभव से रहित रहा तत्कालीन तदीय स्मरण भी रहित हुआ, सुषुप्ति काल में तदीय दुखादि का स्मरण के रहित होने के कारण दुखादि अनुभव शून्य, क्यों दुखादि का स्मरण नहीं हुआ मुझे उस काल में दुखादि अनुभव शून्य, जैसे पाषाण जैसे पत्थर को पत्थर में सुषुप्ति कालीन मैंने दुखादि अनुभव का अभाव होता ही है वहाँ, और दुखादि अनुभव शून्य भी होता है पाषाण पूर्वादि अनुमान दिया।
और सुषुप्ति काल दुखादि का स्मरण कर ही होता है पत्थर, सुषुप्ति काल के दुख का अनुभव नहीं होता सुषुप्ति, और दुख का अनुभव सुनने भी होता है, ये अनुमान के द्वारा सिद्ध हो जाता है आत्मा विकृत होता है करके कहा तो सिद्धांत बोलते हैं नवाच्यम। तदीय स्मृति अभाव से अपेक्षण त्रिणाद अनुभवाभाव भाव साधकत्व में जो सुषुप्तिकालीन स्मृति का जो अभाव है, सुषुप्ति काल में जो स्मृति का अभाव है, दुखादि का स्मरण का अभाव है, उसका उपेक्षणीय त्रिणाद जो उपेक्षा करने वाले जो त्रिणादि होते हैं घास 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 आदि उसमें अनुभवाभाव तो वहाँ पर अनुभव नहीं होता। तो इसलिए असाधकत्व वहाँ पर ये सिद्ध नहीं कर सकता व्यविचारा व्यविचारित्व हेतु विचार द्वारा ये कहा माने ये बोलना चाहते हैं। पांच जन मिनट में देख रहे थे ना तीन नंबर दो नंबर ठीक है देख रहे मुख्यमंत्री चल रही है नित्य क्रिया कर्तृत्व से त्रिपुर किए तो यथा आदित्य आदि नाम प्रकाशित होते नित्य निवेश भाषित हो गया था ना तस्मात तो की टिप्पणी हो गई तस्मात न द्रष्टो दृष्टि विपरीत यदि न विपरीत गंधव्य अस्थित विरोध का गंध भी नहीं ये तो कहा ठीक है कूटस्थ दृष्टि अत्र दृष्टि शब्दार्थ न दृष्टि कर्ता तन्न विपरीत सेतु अस्तित्व सिद्धांत है। कूटस्थ दृष्टि यह दृष्टि शब्द का अर्थ है, दृष्टिकर्ता को दृष्टा नहीं कहा इसको सिद्धांत ने कहा, नहीं सदोषण इत्यादि कहा, आदित्य आदि प्रकाश तत्ववत दर्शन उत्पत्ति इत्यादि कहा था। दर्शन उत्पत्ति ठीक है कहते हैं कि आदित्यादि प्रकाशकत्ववत यदि उत्तम दृष्टान्त दृष्टि आदित्यादि प्रकाशकत्व जो कहा था दृष्टान्त व्याख्या करते हैं, जैसे दृष्टान्त आदित्यादि के समान नित्य प्रकाश वाले होकर प्रकाश करते हैं इसलिए कहा। यथा आदित्यादयो नित्य प्रकाश स्वभाव संत स्वाभाविक नित्य नैव प्रकाशन प्रकाशन जैसे स्वाभाविक नित्य प्रकाश से प्रकाश करते हैं ठीक इसी प्रकार ये बोलना चाहते ठीक आपने कहा। दृष्टान्त भी विप्रतिबंध प्रत्यय दृष्टान्त भी वो अपने नित्य प्रकाश से प्रकाश करते हैं, दृष्टान्त है आपने आदित्य का तो अनित्य प्रकाश से प्रकाश करते हैं या अनित्य प्रकाश से प्रकाश करते हैं तो शंका है पूर्वाज ने कहा था नहीं अप्रकाशापना संता प्रकाशन पूर्वता प्रकाशन होते थे अप्रकाशन होते हुए प्रकाश करते हैं वे प्रकाशन प्रत्यक्ष प्रकट नहीं होता ये कहा था। चिंता ही तो पूर्व क्या है स्वभाव नित्य प्रकाशन स्वाभाविक तो नित्य प्रकाश से प्रकाश होता है ये कहा ठीक है कहते हैं। दर्शन उपत्यु उत्तम दार्शनाधि में आदित्य आदि में देखा है नित्य प्रकाश के द्वारा ही प्रकाश करते हैं तो इसके लिए कहा तथा इत्यादि कहा तथा अयम अभी आत्मा यह आत्मा भी अभी अभी परिलुप्त स्वभाव स्वभाव या कभी अभाव न होने वाली दृष्टि इसका नित्य या दृष्टि दृष्टा दृष्टा कहा जाता है भाषण में दर्शन क्रिया से विकृत होकर के दृष्टा नहीं बोला जाता ठीक है गौण से
आत्मनो नित्य दृष्टि तो दोष समासन है, आत्मा में नित्य दृष्टि मानने पर दोष मानता है पूर्वादी, गौण प्रयोग होगा मुख्य नहीं होगा। तो गौणस्य गौणम पूर्वादी का गौणम तरी दृष्टित्व, तो आत्मा में दृष्टि तो गौण हो, तीसरे अर्थ कहा कि नैवम एवं मुख्य तो पति बोला था ठीक है। गौणस्य मुख्य अपेक्षा, गौण को जो है मुख्य की अपेक्षा होती है, कहीं मुख्य हो तब तो गौण कहा जाता है, एक ही में गौण नहीं बोला जाता। गौण से मुख्य अपेक्षा, मुख्य से जब अन्य से दृष्टित्व से अभाव, और मुख्य अन्य दृष्टा है नहीं है, आत्मा से अतिरिक्त कोई दृष्टा है नहीं, नहीं वो मित्र उत्तर वहा ऐसे सिद्धांत बोलते हैं। कहा छह नंबर की टिप्पणी दी है, मुख्य से अन्य से माने विकार रूप से कोई विकृत दृष्टा है नहीं, ठीक है। ये मुख्य मुख्य प्रयोग है कहा दृष्टित्व से अभाव का, साथ में बताया ननु अस्तिव प्रमातरी दर्शनादि क्रिया कर्तृत्व, अरे प्रमाता में है ना मुख्य, मुख्य दृष्टा प्रमाता हो जाएगा जागृत आदि अवस्था में, प्रमाता वो मुख्य दृष्टित्व वहाँ है, ये पूर्वादि बोलता है ननु अस्तिव प्रमातरी दर्शन क्रिया कर्तृत्व, दर्शन क्रिया कर्तृत्व प्रमाता में है, विकार रूप विकार रूप है मुख्यम, मुख्य दृष्टित्व है दृष्टित्व द्वितीय सिद्धांत। दर्शन से नित्य चिद्रूपतया क्रियात्व, दर्शन जो है ना नित्य चेतन स्वरूप है, दर्शन दृष्टि जो है नित्य चेतन स्वरूप होने से क्रिया नहीं है वो दर्शन, तत्कर्तृत्व से कुत्रापि असंभवात, तो चेतन स्वरूप जो है नित्य दृष्टि है दर्शन है वो कर्ता वाला असंभव कहीं भी नहीं, जागृत आदि में भी नहीं हो। दर्शनोपाधि वृत्ति रेव चक्षुरादि जनित है, दर्शन के जो उपाधि वृत्तियाँ हैं, वृत्तियाँ ही चक्षुरादि जन्य है, चक्षुरादि को वृत्ति पैदा होती है दर्शन नहीं, जनित है प्रभातरी तथा प्रतीति, उस प्रकार के प्रमाता में बोला जाता है कि दृष्टा बोला जाता है, औपाधि की हो प्रमाता में भी दृष्टा बोलना औपाधि की है वास्तविक नहीं। वस्तु तस्तु वृत्तिरपि वस्तु प्रमाण संबंध मात्राधीन पर, फिर वास्तव में तो ये वृत्ति भी वस्तु जैसा होगा वो प्रमाण के अधीन वस्तु का ज्ञान होगा, अंतकरण वृत्ति में तो घटाधि वस्तु जैसा होगा वैसे ज्ञान होगा वही वृत्ति है। वस्तु तस्तु वास्तव में तो वृत्तिरपि वस्तु प्रमाण संबंध मात्राधीन जन्मतया कर, वृत्ति का भी जन्म होता है किससे, उत्पन्न होना भी वस्तु प्रमाण के संबंध से होता है, संबंध के मात्राधीन होता है। न प्रमात्र कृति साध्यत्व, प्रमाता के प्रयत्न साध्य नहीं है वृत्ति में, कुतस्तराम चित्त दर्शन से प्रज्ञा प्रति, जो चेतन स्वरूप जो दर्शन है उसका प्रज्ञा प्रमाण प्रति, उस प्रमाण ज्ञान के प्रति कर्तृत्व व्यवहार अस्तु, फिर कर्तृत्व व्यवहार कैसे हुआ, तो कहा प्रभाव उत्पत्ति अनुकूल विषय इंद्रियजन्य अनुकूल कृति मत्वात्, तो कर्तृत्व व्यवहार तो वहाँ होता है जहाँ प्रभाव की उत्पत्ति ज्ञान की उत्पत्ति के अनुकूल जो विषय इंद्रिय संबंध अनुकूल प्रयत्न होता है वही प्रमाण, वहीं पर कर्तृत्व व्यवहार होता है, प्रमातरी औपचारिक है, वह प्रमाता भी औपचारिक है प्रमातृत्व, तो वास्तव में नहीं कर्तृत्व। किंच और भी बोला किंच चेतन चेतनानाम इत्यादि, आत्मा को नित्यो नित्यानाम चेतन चेतनानाम ऐसा कहा है, चेतास्वर परिषद चेतन का भी चेतन है कहा है, नित्यो नित्यानाम चेतन चेतनानाम इत्यादि श्रुते आत्मदृष्टियाधीनाधीनम एवं प्रमातृ दृष्टित्व, आत्मदर्शन के अधीन ही प्रमाता में दृष्टित्व आता है, क्यों चेतन का भी चेतन है, वो चेतन तो देगा तब इसमें दृष्टा बनेगा प्रमाता, चेतन का भी चेतन है आत्मा साक्षी ये कहा है। एवं चसती ऐसा मानने पर आत्मदृष्टित्व गौणम प्रमातुस तन मुख्यम बलन, पूर्वादि कहा था आत्मा में साक्षी में जो दृष्टित्व गौण है और प्रमाता में मुख्य है बलन, ऐसा बोलते हुए ग्रीवास्त मुख मुख गौरत्व गौणम दर्पणस्थ मुख गौरत्व से मुख्यम ब्रुवता तुल्य, जय कोई बोलता हूँ कि गर्दन में जो मुख है वो सही है मुख्य है और सामने जो मुख है गौण है बोलता हूँ इसके समान होगा ये कहना है, ऐसे बोलने वाले हो तो ग्रीवास्त मुख मुख गौरत्व बड़े पीछे जो मुख है गले गर्दन में वो गौर है, शुक्ल वर्ण का मुख है वो गौण है, और दर्पणस्थ मुख मुख गौरवत्म तो मुख्य, दर्पण में जो बड़ा हुआ मुख है गले के ऊपर जो मुख है गौण है, गौरा बना जो दिखता है दर्पण में जो दिखता है मुख्य है, ऐसा बोलने के समान है। ठीक है।
खलु उपेक्षणीय, इस बात को उपेक्षा कर देनी चाहिए। परीक्षकाणाम आपत्तेता इति अलम, परीक्षाओं के लिए ये प्राप्त होता है ये कहा। आगे कहते ठीक है, ना करके बोल दिया, ना भाष्य में कहा था ना एवं एवं मुख्य तुम्हारी, इस प्रकार आत्मा में दृष्टित्व मुख्य होता है, दर्शन क्रिया करता नहीं हो, दर्शन स्वरूप है, दृष्टि स्वरूप है, ये कहा। ठीक है, ताम एवं उपत्ति दर्शन, वो युक्ति को दिखाते हैं सिद्धांति, यदि ही इत्यादि कहा, यदि ही अन्यथा भी आत्मनो दृष्टित्व दृष्टम, यदि अन्य प्रकार से भी आत्मा में दृष्टित्व सिद्ध होता तदा अश दृष्टित्व से गौणत्व, तो उस काल में आत्मा में दृष्टित्व गौण माना जाता, किंतु अन्य प्रकार से सिद्ध नहीं होता आत्मा में दृष्टित्व, न तो आत्मनो और जो दर्शन प्रकार अस्ति, दर्शन का प्रकार आत्मा में अन्य ही नहीं, ये कहा। ठीक है, बताते हैं अन्यथा हमारे कोटस्थ दृष्टि मंत्रण, आत्मा में एक ही दृष्टि है, कोटस्थ निर्लेप दृष्टि है, जन्य दृष्टि नहीं है वह, उसके बिना अन्य कोई प्रकार नहीं है। दर्शन प्रकार से अन्यत्व क्रियात्व, दर्शन प्रकार में अन्य माने क्रिया स्वरूप दृष्टि है ही नहीं आत्मा में, नित्य दृष्टि है, अन्य दृष्टि है ही नहीं। तस्य निष्क्रियत्व श्रुति स्मृति विरोधात्, क्यों आत्मा में दृष्टि कर्तृत्व करने के लिए निष्क्रिय श्रुति है, निष्कलम निष्क्रियम शांतम निरवध्यम निरंजनम, ऐसा कहा है, क्रिया नहीं है आत्मा में, क्रिया नहीं होती है, दृष्टिकर्ता कैसे बनेगा आत्मा। तस् आठ में कहा क्रियात्मक दर्शन से आत्मा, क्रियात्मक दर्शन आत्मा में नहीं हो सकता, विरोध है, क्रियात्मक दर्शन होना संभव नहीं, नित्य दृष्टि आत्मा में, क्रियाजन्य दृष्टि नहीं, तस्य वो दर्शन हो उसका। निष्क्रिय तो श्रुति स्मृति, निष्क्रिय बताने वाले श्रुति स्मृति को विरोध है, आत्मा को निष्क्रिय बोलती है और तुम दृष्टि करता, ऐसा नहीं। दृष्टांतर दृष्टित्वांतरानुपत्तो फलित महा, अन्य दृष्टा नहीं है, ये होने पर निष्पन्न क्या होगा, तद एवं इत्यादि शब्द का, तद एवं एवं मुख्यम दृष्टित्व, आत्मा में मुख्य दृष्टित्व यही है, नित्य दृष्टि रूप से दृष्टा कहा, जैसे आदित्य नित्य प्रकाश स्वरूप होता था, प्रकाश आदि बोलते हैं, प्रकाश करता बोलते हैं, इसी प्रकार आत्मा में नित्य दृष्टि होते हुए दृष्टा बोला गया, अनित्य दृष्टि के कारण दृष्टा नहीं बोला गया, दृष्टि स्वरूप है दृष्टा है। ठीक है, कहते हैं नित्य दृष्टि पे नहीं वह इत्यादि एवं एवं इत्यादि का अर्थ नित्य दृष्टि को होने से ही कहा, उक्ते अर्थ दृष्टांत में इस विषय में दृष्टांत कहते हैं, यथा आदित्यादिना प्रकाशितृत्व नित्य स्वाभाविक अक्रियमाणेन प्रकाश है, जैसे आदित्यादि जो प्रकाश स्वरूप है, प्रकाशितृत्व जो धर्म आता है आदित्य दिखाई पड़ता है, नित्य नैव स्वाभाविक अक्रियमाणेन प्रकाश, नित्य प्रकाश के द्वारा वह प्रकाशिता बोला जाता है, स्वाभाविक है, अक्रियमाण है, क्रियमाण नहीं हो, क्रिया नहीं है वो प्रकाश, जन्य नहीं है, इसको द्वारा तदेव प्रकाशितृत्व मुख्यम, कोई आदित्यादि में प्रकाशितृत्व मुख्य है वो, अन्य नहीं, प्रकाशितृत्व अनुभव अन्य प्रकाश नहीं हुआ, इसी प्रकार आत्मा में समझना, अन्य दृष्टिकर्ता कोई नहीं हो सकता। ठीक है, कहा तथा आत्मरूपी दृष्टित्व नित्य नैव स्वाभाविक चैतन्य ज्योतिषा सिद्धति, उसी प्रकार जैसे आदित्यादि में नित्य प्रकाश के द्वारा ही प्रकाशकर्ता कहा जाता है, उसी प्रकार आत्मा में भी आत्मरूपी दृष्टित्व जो दृष्टित्व कहा गया है, दर्शन क्रिया कर्तृत्व बोला, दृष्टा बोला, नित्य नैव स्वाभाविक चैतन्य ज्योतिषा सिद्धति, नित्य जो स्वाभाविक चैतन्य ज्योति के द्वारा सिद्ध होता है, तदेव जो दृष्टित्व मुख्य, वही दृष्टित्व मुख्य है, दृष्टि द्वारा अनुपत्ति अन्य दृष्टा होना संभव नहीं, अनित्य दृष्टा होना संभव नहीं कहा। आत्मनो नित्य दृष्टि स्वभाव से बल कहा, आत्मा नित्य दृष्टि स्वभाव में क्या निष्पन्न हुआ कहा, तस्मात दृष्टुर दृष्टि, तस्मात न दृष्टुर दृष्टि दृष्टि विपरीलुप्यते इति न विप्रतिशूलम लोपी अस्ति कहा, दृष्टा की दृष्टि का लोप होता है करके गंध भी नहीं है, लोप नहीं हो सकता, तस्मात न दृष्टु दृष्टि विपरीलुप्य, दृष्टा की दृष्टि लोप नहीं हो सकता, जो शब्द कहा न विप्रति छेद गंध भी माने विरोध का गंध भी नहीं, विरोध तो क्या है गंध भी नहीं है, होता है एक बार भी कैसा नहीं है। नैष दोष इत्यादि न विप्रतिशील गंधों की अस्थित अंतभाषी वादिकाचार्य
एक पैरा पूरे पे वार्तिक जारी लिखते हैं, वार्तिक कार बोलते हैं। नैष दोषो यतो द्रष्टु श्रुति राह विशेषणम द्रष्टुर्दृष्टेरिति ततो द्रष्टा नैवेह कारकम। ये वार्तिककार कहते हैं नैष दोष, कोई दोष नहीं, पूर्वादि ने दोष कहा था, दृष्टा बोलना, दृष्टा माने दृष्टिकर्ता को दृष्टा बोला जाता है, और दृष्टिकर्ता माने जैसे घटकर्ता, घट बनाने वाले को घटकर्ता बोला, जो बनेगा तो अनित्य होगा, तो दृष्टि अनित्य है, पूर्वादि का नैष दोष कोई दोष नहीं, नैष दोष हो, दृष्टा बोलने में कोई दोष नहीं, आत्मा को माने दृष्टि रूप दृष्टा है, दृष्टि का कर्ता होकर के दृष्टा होता तो विरोध होता, उसका तो अभाव हो जाता, किंतु ये दृष्टि का कर्ता नहीं, दृष्टि रूप दृष्टा है। जैसे ये तो दृष्टु हो श्रुति राह विशेषण, दृष्टा का विशेषण श्रुति बोलती है, क्या बोलती है, दृष्टुर दृष्टे, दृष्टा की दृष्टि ऐसे बोलती है, दृष्टारूप दृष्टि विशेषण लगाती है, या विशेषण विशेष भाव है दोनों में, दृष्टा दृष्टा और दृष्टि, तो दृष्टा नैवे कारक नहीं है, दृष्टा दृष्टि का कारक नहीं है, कर्ता नहीं है, दृष्टिकर्ता नहीं है, दृष्टि स्वरूप है दृष्टा। देहांतो दृष्टिकारी हो दृष्टा धर्मादि हेतुमान दृष्टे दृष्ट चंद्र पुत्र प्रत्येक एक प्रत्येक दृष्टि का साक्षी कहा। देखो बुद्धि से लेकर के देह तक को अनुभव अनुभव को जानने वाला जो प्रमाता होगा, वेदना को समझने वाला, देहांत मान बुद्धि से लेकर शरीर तक, बुद्धि है, मन है, क्या हलचल हो रहा है, इंद्रिया है, शरीर है, यहाँ तक देहांत हो दृष्टिकारी हो, जो दृष्टि करने वाला हो रहा है, जो दृष्टा बुद्धि से लेकर शरीर तक समझने वाला जो दृष्टा होगा वो प्रमाता है, वो प्रमाता समझता है, धर्मादि हेतुमान वो धर्माधर्म का कारण बनता है, धर्माधर्मादि करने वाला प्रमाता दृष्टु, ये जो दृष्टि दृष्टु से लोपोत्र, ये दोनों का लोप होगा, ये दृष्टा का भी लोप हो जाता है, उसी प्रमाता नहीं रहेगा, धर्मादि करने वाला नहीं रहता, नहीं होता उसकी दृष्टि भी नहीं रहती, दोनों का अभाव हो जाता है, इसका प्रमाता का भी, प्रमाता का ज्ञान का भी अभाव होता है, दृष्टो दृष्टि से लोपो अत्र यहाँ होता है, प्रत्येक दृष्टि एक साक्षी का, कहाँ लोप होगा, प्रत्येक दृष्टि साक्षी में जाकर के एक होगा, कोई साक्षी जानता है इस काल में प्रमाता नहीं है, प्रमाता भी नहीं, प्रमाता की दृष्टि भी नहीं, ऐसे जानता है, इस अवस्था में सुषुप्त अवस्था में लोप हो जाता है, प्रमाता के अभाव, प्रमाता की जो दृष्टि है वो भी अभाव, दृष्टिकर्ता जो प्रमाता बोलते थे, कहाँ बुद्धि से लेकर के थूल शरीर तक जो वेदना का अनुभव करता था, धर्माधर्म के हेतु बनता था, धर्माधर्म करने वाला सुषुप्त अवस्था वो नहीं है, उसका लोप है और उसके दृष्टि का भी लोप है, प्रमाता एक है। प्राग प्रमात्रादि संभूत या तो दृष्टि कर्तिका दृष्टादिनाश साक्षित्वा सा दृष्टि रविनश्वरी। प्रमात्रादि की उत्पत्ति के पहले सुषुप्त अवस्था में प्रमाता आदि नहीं है, जागृत में है प्रमाता आदि, बुद्धि आदि के संबंध होने से प्रमाता बनना है, तो प्रमाता आदि के उत्पन्न होने से पूर्व अवस्था में प्राग पहले प्रमात्र आदि संभूते इनके होने से पहले सुषुप्त अवस्था में या तो दृष्टि अकर्तिका जिससे कर्ता रही दृष्टि है, जो दर्शन करता नहीं दृष्टि रूप दृष्टा है वो अकर्तिका कर्ता वाली नहीं वो दृष्टि अकर्ता वाली है प्रकर्तिका दृष्टादि नाश साक्षित्व जो प्रमाता आदि जो दृष्टा थे जागृत में उसका नाश के साक्षी हो सुषुप्त में नाश हो रखा इसका दृष्टादि नाश साक्षित्व सा दृष्टि अविनेश्वरी वो दृष्टि अविनेश्वरी है विनाश नहीं होती वो दृष्टि की और प्रमाता काल में जो दृष्टि है दृष्टा बनना दृष्टि बनना धर्मादि का उसका तो नाश होता है सुषुप्त में देखा किंतु प्रमातादि उत्पन्न के पूर्व काल उत्पत्ति से पहले मतलब सुषुप्त अवस्था में जो दृष्टि है वो दृष्टि अविनश्वरी है वो कर्ता जन्य नहीं वो दृष्टि कर्तृका दृष्टि है दृष्टिरेव तुषा दृष्टा न तो कारक लक्षण दृष्टुर्विशेषण दृष्टि परिग्रह दृष्टिरेव तुषा दृष्टा वो दृष्टा जो है ना सुसुप्ति का जो दृष्टा दृष्टि स्वरूप ही है दृष्टि से अतिरिक्त नहीं है दृष्टिकर्ता नहीं हो इसलिए नहीं दृष्टो दृष्टि विपरीत को विद्युत अविनाशित्व ने सुषुप्ति अवस्था को लेकर बोला है दृष्टि रेव तो सा दृष्टा वो सा दृष्टि रेव वो सा दृष्टि ही दृष्टा वो दृष्टि ही दृष्टा है यार दृष्टि और दृष्टा में भेद है सुषुप्ति काल में न तो कारक लक्षण दृष्टि को पैदा करने वाला कर्ता स्वरूप दृष्टा नहीं है यार
दृष्टिकर्ता को दृष्टा नहीं बोला गया। दृष्टु विशेषणत्व दृष्टि रीति परिग्रह, दृष्टा के विशेषण से दृष्टि को लिया गया है, दृष्टा का विशेषण दृष्टि, दृष्टा की दृष्टि का नाश नहीं, दृष्टा को विशेषण बना करके दृष्टि रूप लिया, माने विशेषण विशेषण एक होता है, दृष्टा रूप दृष्टि कहा गया है, उसका लोप नहीं होता कहा। परिलोपो ही कार्याणाम लोके सिद्ध स्वकारणे दाता कारण रूप से नाट कारण वस्तु, कार्य का जो लोप होता है ना अपने कारण में उपादान कारण में लोप होता है, घट पुरता है तो मृतिका रूप में होता है, मृतिका भी घट फूटे तो कपाल रूप होगा, कपाल रूप चला जाए कपाली का बनेगा चूड़ी का, ऐसे ऐसे कारण में लीन होता है कार्य, कार्य का नाश में कारण में लीन होना होता है। ये कहा परिलोप ही कार्याणाम लोप, कार्यों का जो लोप है विनाश है वह लोक में सिद्ध है स्व कारण है, अपने कारण में अपने उपादान कारण में कार्य का लोप देखा जाता है, नाता कारण रूप से कारण का लोप नहीं होता, कार्य का लोप होता है कारण में, कारण का लोप नहीं होता, ना भी अकारक वस्तु ना जो कारक नहीं है उसका भी लोप नहीं होता, कारण का भी लोप नहीं होता, अकारक वस्तु जो कारक नहीं करता नहीं होता उसका भी लोप नहीं होता। अभावश्य भावत्वाद भावनाशादि भाव सिद्धे से दृष्टिता, अभाव मानोगे दृष्टि को, अभाव दृष्टि का अभाव को हो तब भी नहीं बन सकता है, क्यों अभाव से जो भाव होता है, अभाव का भी स्वरूप भाव रूप होता है, अभाव का स्वरूप भी भाव रूप होता है, किसी भाव पदार्थ का घटा अभाव भूतल भूतल रूप दिख रहा है, तो अभाव से जो भाव होता है अभाव भी भाव रूप होने से भाव सिद्धे से दृष्टि, अभाव पदार्थ की सिद्धि दृष्टि से ही होनी है, दर्शन से होना है, दृष्टौ ना अभाव शंका, इसलिए दृष्टि के विषय में अभाव की शंका नहीं करनी चाहिए, उसका लोप होता है नहीं समझना चाहिए दृष्टि का, सर्वसिद्धे तदनु सारे विषयों की सिद्धि दृष्टि के संबंध से होता है, यदि किसी की सिद्धि नहीं कर पाओ दृष्टि माने आत्मरूप दृष्टि, उसी से सिद्ध होना सब पदार्थ होगा, उससे संबंधन और पर नहीं होता कहा, न सुसुप्त प्रसिद्धि से दृष्टि लोपो भवे यदि जन्मनाशादि हाने अतो दृष्टि परात्मन का, अरे दृष्टि यदि न हो आत्मरूप दृष्टि यदि न हो तो सुसुप्ति को कौन जानेगा, यदि सुसुप्ति में आत्मदृष्टि नहीं लोप हो जाता आत्मा भी नहीं रहता तो फिर सुसुप्ति को कौन जानेगा, सुसुप्ति की सिद्धि भी नहीं हो पाएगी, आत्मनाश के कारण आत्मरूप दृष्टि के नाश मानोगे तो रहा, न सुसुप्ति प्रसिद्धि से सुसुप्ति प्रसिद्धि भी नहीं हो पाएगी, प्रसिद्धि से दृष्टि लोप भवे नहीं, यदि दृष्टि का लोप होता है आत्मरूप दृष्टि का लोप हो जाता हो अभाव होता हो तो सुसुप्ति कौन जानेगा, सुसुप्ति का लोप हो जाएगा, इस परिस्थिति आएगी, जन्म नाशादि हाना जन्म और नाश की नाश करने वाले जन्म और नाश के दोनों की समाप्त करने वाली दृष्टि है आत्मदृष्टि, जन्म नाशादि हाना यम ये दृष्टि जो है आत्मदृष्टि जो है जन्म नाश आदि जन्म मृत्यु के अभाव करने वाली है, तो दृष्टि परात्मा परमात्मा स्वरूप दृष्टि जो है ऐसी दृष्टि है, एक टीका में कहते हैं कूटस्थ दृष्टि रेव अत्र दृष्ट शब्द ने उच्चते, यहाँ दृष्टा शब्द जो आया है नहीं दृष्टुर दृष्टि विपरीत लोगों की अविनाशित्व, दृष्टा शब्द जो आया है वह कूटस्थ दृष्टि निर्लेप दृष्टि को ही दृष्टा कहा गया, दृष्टि और दृष्टा में भेद नहीं है, कूटस्थ दृष्टि रेव अत्र माने इस कंडिका में दृष्ट शब्द ने उच्चते न दृष्टिकर्ता, दृष्टिकर्ता को दृष्टा नहीं बोला यहाँ, तन्न विप्रचेत अस्तित्व इसलिए कोई विरोध नहीं, सिद्धांत ने कहा न इत्यादि कहा था, नहीं सदोष है तो दृष्टु श्रुति न विशेषण दृष्टुर दृष्टि रीति तत्व दृष्टा ने में कारण दृष्टारूप दृष्टि कहा हुआ है इसलिए कारण नहीं दृष्टिकर्ता नहीं, ये कहा था बात ठीक है, नहीं दृष्टु रीति श्रुति नहीं दृष्टुर दृष्टि विपरीतों को वित्त अविनाशत्व श्रुति है, यह श्रुति एक इसी का टीका कहा दृष्टि रीति विशेषण दृष्टि का विशेषण है, दृष्टु पद दृष्टि का विशेषण है, दृष्टारूप दृष्टि ऐसा कहा विशेषण दृष्टुर दृष्टि रीति विशेषण दृष्टु दृष्टा को दृष्टि का विशेषण कहा जाता है, षष्ठ सामान्यधिकरण दोनों में षष्ठ्यंत पद है, दृष्टु दृष्टि शब्द का षष्ठी दृष्टु और दृष्टि का दृष्टि है समानाधिकरण है, अतो दृष्टा साक्षी यहाँ दृष्ट दृष्टि शब्द जो दिया गया वो साक्षी के लिए कहा गया है, साक्षी न कर्ता दृष्टिकर्ता को नहीं कहा गया, दृष्टा माने साक्षी है,
न करता है कि अविरोधा विरोध नहीं कहा। षष्ठो सामान्यकरण व्यत्यस्त, दोनों षष्ठी दृष्टुर अदृष्टे दोनों समानाधिकरण स्वीकार करके कूटस्थ दृष्टि आत्मा इति आदिष्टम, कूटस्थ दृष्टि वाला आत्मा है ये सिद्ध किया। निर्लेप दृष्टि विकृत दृष्टि वाला नहीं आत्मा, नित्य दृष्टि वाला है ये आदेश दिया, उपदेश किया गया। अथवा तयोर बह्यधिकरण अथवा व्यधिकरण मानेंगे, दृष्टु अलग है, दृष्टा की दृष्टि ऐसा मानेंगे, दृष्टारूप दृष्टि न मानकर दृष्टा की दृष्टि ऐसा बोलेंगे, तब भी व्यधिकरण मानने पर भी अभी तथा उसी प्रकार होगा। एक आने जाते हैं देहांत कहते हैं, कौन दृष्टा विकारी होगा, कौन दृष्टि विकारी होगी, कहते बुद्धि से लेकर के शरीर तक अनुभव करने वाला जो प्रमाता है उसका अभाव हो जाता है सुषुप्ति काल, दृष्टि भी नहीं रहेगी दृष्टा भी नहीं रहेगा, नित्य दृष्टि वाला दृष्टा वहाँ है सुषुप्ति का अनुभव हो रहा होगा। एक आना एक आना ये बताया देहांत तो दृष्टिकारी हो दृष्टा दरवा दे, देह तक बुद्धि से लेकर के देह तक शरीर तक दृष्टि करने वाला जो दृष्टा होगा वो दृष्टा धर्मादि का कारण बनता है, धर्म अधर्म करने वाला जो दृष्टा है वो दृष्टि दृष्टि से लोकोत्र अथर्वण सुसुप्त अवस्था में इन दोनों का लोग, दृष्टि का भी लोग होता है उसका दृष्टा का भी लोग होता है, प्रमाता भी नहीं प्रमाता का ज्ञान भी नहीं, ये सुसुप्त अवस्था में प्रत्येक दृष्टि का साक्षी इनका लोप हो गया कौन जानेगा, जो प्रत्येक दृष्टि है साक्षी एक साक्षी वही साक्षी जानता है उस काल में, अभी प्रमाता नहीं प्रमाता की ज्ञान भी नहीं साक्षी भाष्य होता है बोला ठीक है कहते हैं। यो धर्माधिमान प्रमाता धर्मादि करने वाला, धर्म अधर्म करने वाला प्रमाता माने जागृत अवस्था के आत्मा जो होता है, यो धर्माधिमान बुद्धियादि देहांतो दृष्टिकारी बुद्धि से लेकर के शरीर तक का अनुभव करने वाला जो था, जो दृष्टि करने वाला था अनुभव करने वाला था दृष्टा वो दृष्टा तस् तदगत आया दृष्टि, वो दर्शन करने वाला दृष्टा प्रमाता और उसमें आई हुई जो दृष्टि है दोनों का नाश स्वापाल सुसुप्ति में समाधि में उसका नाश हो जाता है, प्रमाता नहीं प्रमाता का ज्ञान भी नहीं स्वापाल प्रत्येक दृष्टि मात्र मात्रा प्रसिद्ध है, जो प्रत्येक दृष्टि है साक्षी स्वरूप दृष्टि है उसके द्वारा ही वो सिद्ध होता है, इस काल में प्रमाता भी नहीं प्रमाता का ज्ञान भी नहीं साक्षी से होता है। कहाँ स्वापाल अवस्था में सुसुप्ति आदि अवस्था सुसुप्ति समाधि आदि में अतो अतो दृष्टुर या साक्षी भूता दृष्टि, जो दृष्टा है ये जो प्रमाता दृष्टा के जो साक्षी स्वरूप जो दृष्टि है तस्या प्रतिज्ञा न नाश, वो आत्मस्वरूप दृष्टि का नाश नहीं होता ठीक है, उसका भी नाश उसे सुसुप्ति का अनुभव कौन करेगा। कहते आत्मा कूटस्थ दृष्टि इतम उपाधि, आत्मा नित्य दृष्टि वाला है अनित्य दृष्टि वाला नहीं है साक्षी आत्मा, इसी को सिद्ध करते हैं कहा क्या बोलकर प्राग इत्यादि कहा था, प्राग प्रमात्रादि संभूत या तो दृष्टि कर्तृका दृष्टादिनाश साक्षित्वात् सह दृष्टि रविनश्वरी का, प्राग प्रमात्रादि संभूत सुषुप्ति से मरकाल में प्रमातादि की उत्पत्ति है पूर्व का, जहाँ प्रमात्रादि अभी नहीं है साक्षी भाव में सुषुप्ति अवस्था में उस काल में प्रमात्रादि प्राग प्रमात्रादि संबोधन इनके उत्पत्ति से पूर्व अवस्था में प्रमाता आदि उत्पन्न के बुद्धि आदि चाहिए उसके पहले अवस्था में, या तो दृष्टि अकर्तिका जो दृष्टि है कर्ता जन्य नहीं है अकर्तिका दृष्टि है दृष्टादिनाश हो, ये जो प्रमाता आदि का नाश हो रखा उस काल में सुषुप्ति है उसका साक्षी है वो दृष्टि साक्षी द्वार सा दृष्टि अविनाशी, वो दृष्टि अविनाशी है अविनाशिनी है ठीक है। स्वापादो तादृशी दृष्टि असिद्धे इतिहास सुषुप्ति आदि अवस्था में ऐसी दृष्टि तो है ही नहीं, प्रमात्रादि का अभाव को जानने वाली दृष्टि तो है ही नहीं अमितेश्वरी दृष्टि, यह शंका हो जाए कहा दृष्टादि कहा था दृष्टादि नाश साक्षित्वादि कहा था दृष्टादि का नाश के साक्षी होने से, इसका इस काल में प्रमाता आदि नहीं है ऐसे जानने वाली दृष्टि थी उस काल में सुषुप्त व्यधिकरण पक्ष में पक्षात्मा, अभी व्यधिकरण दिखाया गया था दृष्टा की दृष्टि का नाश नहीं होता करके कहा था व्यधिकरण दिखाया बात दिखा रहा, फिर अन्य पक्ष में कोई लेना चाहते हैं समानाधिकरण लेना चाहते हैं दृष्टि और दृष्टा में भेद नहीं कहना चाहते हैं दृष्टि इत्यादि शब्द में कहा दृष्टि रेप तो सह दृष्टा न तो कारक लक्षण दृष्टुर विशेषणत्व न दृष्टि रीति परिग्रह कहा दृष्टि रेप तो सह दृष्टा वो दृष्टा जो दृष्टि ही है दृष्टि का अतिरिक्त नहीं है दृष्टा व्यधिकरण नहीं है दृष्टि और दृष्टु में समानाधिकरण है एक ही है, जैसे नीलोत्पलम बोलते हैं नील कमल
जो नील वही कमल एक ही होता है। इसी प्रकार अभेद दृष्टि और दृष्टा में भेद नहीं। दृष्टि दृष्टा तो कारक लक्षण मैंने दृष्टिकर्ता को दृष्टा नहीं बोला गया, दृष्टि ही दृष्टा है। दृष्टोर विशेष दृष्टि नित्य परिग्रह दृष्टा को विषय बना करके दृष्टे ऐसा कहा गया है। दृष्टे ऐसा कहा दृष्टा के विशेषण बना करके दृष्टे पद दिया है। विशेषण विशेष भाव है ठीक है। सा दृष्टि रेव वो जो सा दृष्टि एवं दृष्टा वो दृष्टि ही दृष्टा है। दृष्टि और दृष्टा में भेद है, समानाधिकरण है। न तत्कर्ता दृष्टिकर्ता नहीं है दृष्टा। इतने उत्तम हेतु बारे में जो कहा था उसके हेतु बताते हैं दृष्टु विशेषण इत्यादि कहा था। दृष्टा के विशेषण बनाया है दृष्टि को ठीक है। आत्मदृष्टि का नाश है तंत्रम भक्तम सामान्य न्याय महा। आत्मदृष्टि का नाश नहीं होता, साक्षी रूप दृष्टि है उसका नाश नहीं होता। इसमें अन्य हेतु कहने के लिए सामान्य युक्ति बताते हैं। अरे बाबा कार्य का लोप होता है कहाँ कारण है, आत्मा किसी का कारण होता है ठीक है ना। परिलोक ही कार्याणाम लोके सिद्धक स्वकार है, माने कार्य का जो लोप होगा अपने कारण में लोप होगा, अन्य में जाके लोप नहीं होगा। घट का लोप पट में नहीं होगा, तंतु में नहीं होगा, पट का लोप मृतिका में नहीं होगा, अपने अपने कारण में नहीं होता है। तंतु पट का लोप होता है तंतु में कार्य का लोप, और घट का लोप होगा मृतिका में। परिलोक ही कार्याणाम लोके सिद्ध स्वकार है, अपने अपने कारण में कार्य का लोप देखा गया, अन्यत्र नहीं होता। आत्मा किसी का कारण नहीं है इसलिए लोप नहीं हो सकता, कार्य का वहाँ नहीं होता लोक नहीं। और नाता कारण रूप से कारण का लोक नहीं होता, कार्य का लोक होता अपने कारण में, जो कारण होगा उसका लोक नहीं होता। एक दूसरा है ना भी अकारक वस्तु जो कारक नहीं है, जो किसी को बनाने वाला नहीं है उसका लोक भी नहीं होता ठीक है। देखा आत्मदृष्टि तो कार्य वैरूप्यात न उक्तनाशा सिद्धि करते हैं। आत्मदृष्टि जो है ना वो आत्मरूप दृष्टि कार्य से बहरूप कार्य नहीं है। यदि कार्य होती है आत्मदृष्टि तब तो लोप हो जाता अपने कारण में, आत्मरूप ही दृष्टि है। एक है वो अभेद है दृष्टि और आत्मा। आत्मदृष्टि तो कार्य वैरूप्या कार्य से विरूप वैरूप्य है, कार्य नहीं है वो। आत्मदृष्टि नित्य है कार्य नहीं है, न उक्तनाश सिद्धि इसलिए उसकी नाश की सिद्धि नहीं हो सकती आत्मदृष्टि की। कहा नातः कारण नाता कारण उससे कहा कारण का नाश नहीं हुआ। परिलोको अस्तित्व से था परिलोक उसका नहीं होगा, जो कारण रूप बन के बैठा है उसका लोप नहीं होगा। जो नित्य है आत्मदृष्टि कारण रूप है उसका नाश नहीं होता। अज्ञानवत आत्यंतिक नाशम आशक है, पूर्वज बोलता है भाई कारण का भी नाश होता है। जो आत्मज्ञान होगा तो अज्ञान का नाश नहीं होता, अज्ञान का नाश होता है। जगत का कारण है अज्ञान उसका नाश हो जाता है। जैसे अज्ञान का नाश होता है उसी प्रकार आत्मरूप जो दृष्टि है उसके भी नाश हो, ये शंका है पूर्वादि की। अज्ञानवत आत्यंतिक नाशम असंगत है, आत्यंतिक नाश हो आत्मदृष्टि का भी, जैसे अज्ञान का संपूर्ण नाश हो जाता है ज्ञान काल में, इसी प्रकार आत्यंतिक नाश की शंका हो जाता है। कारण वैलक्षण एवं वो कारण से भी विलक्षण है, आत्मदृष्टि जो है कारण भी नहीं है। ना भी अकारक वस्तु का, जो अकारक होगा कारक नहीं बनेगा, कर्ता आदि नहीं बनेगा उसका नाश नहीं होता। जो कर्ता आदि बनते कारण बनते हैं उनका नाश होता है। ना भी अकारक वस्तु में बात में बोला था तद अपरिलोपे युक्तंत्र आहा, उसके अभाव नहीं होता, आत्मदृष्टि का अभाव नहीं होता। इसमें एक अन्य युक्ति है, यदि अभाव मानोगे अभाव मानने पर भी भाव में भाव रूप होगा, एक आने जाते हैं अभाव से इत्यादि कहा। अभाव से जब भावत्वा भाव सिद्ध से दृष्टिता, अभाव भी भाव रूपी होता है। घटा अभाव भूतल में बोलते हैं तो वो भूतल रूपी होता है, यही होता है। दृष्टि का अभाव मानेंगे तो यही होगा, दृष्टि का अभाव मानेंगे वो आत्मरूपी बनना है उसको। एक अभाव से भावत्वा भाव सिद्ध से दृष्टिता, अभाव जो होता है भाव ही होता है, और भाव की सिद्धि दृष्टि से होती है। दृष्टो नाभाव शंका, इसलिए दृष्टि में अभाव की शंका नहीं करनी चाहिए। सर्व सिद्धि स्तर सबकी सिद्धि उसी के संबंध से, दृष्टि के संबंध से होता है। ठीक है ठीक है। नहीं स भावाद्वित, जो अभाव है ना भाव से भिन्न नहीं हो सकता।
भेद से भाव जो भेद है वह भाव माने पर तनिष्ठ तो होगा तो क्या होगा, यदि भेद भाव होने पर क्या होगा, भेद निष्ठ नहीं हो सकता, अभाव निष्ठ नहीं हो सकता। भेद यदि भाव हो तो अभाव में नहीं रहेगा, भाव रूप हो गया। अभावत्व भी भेद को अभाव मानने पर भी स्वयं दोष वही स्वयं नहीं रहेगा, अभाव में अभाव नहीं रहेगा, वही दोष आएगा। तथा च तस्य अभावस्य तस्य मन अभाव से भावातिरिक्त अभाव अभाव भाव से अतिरिक्त अभाव सिद्धेश तस्य माने अभाव से भाव अतिरिक्त भाव से अतिरिक्त अभाव अभाव भाव से अतिरिक्त अभाव होने में तत्सिद्धेश दृश्य अधीनता भाव से अभाव को भिन्न सिद्ध करने में क्या होगा, भिन्न सिद्ध करने में क्या दृष्टि का अधीन होगी, ज्ञान का अधीन होगा। तस्मात ना शंका, एक शंका नहीं होनी चाहिए दृष्टि का अभाव होगा करके। भावात अभाव से अन्यत्व भी भाव से अभाव को अन्य मानने पर भिन्न मानने पर भी सर्वदृष्टि दृष्टि अधीनत्व सारी दृष्टि जितने भी बनते हैं घट ज्ञान पर ज्ञान पर आत्मज्ञान के अधीन सब होते हैं, अपना ज्ञान है तो किसको जानेगा, दृष्टि अधीन है सब सब अन्य दृष्टि जितने भी सर्वदृष्टि दृष्टि अधीनत्व आत्मा कूटस्थ दृष्टि आत्मा नित्य दृष्टि वाला ही है, ये सिद्ध होता है कहा अतः इत्यादि समझ कहा था अतः इत्यादि समझ कहा था अतः सर्व सिद्ध तदन्वया भी कहा था ठीक है। हम कहते हैं इत आत्मदृष्टि अनाशी नहीं, इस हेतु से भी आत्मदृष्टि विनाशी नहीं है, अनाशी नहीं है। न इत्यादि कहा न सुसुप्ति प्रसिद्धि से अधिक आत्मदृष्टि न हो उस काल में आत्मरूप दृष्टि न हो सुसुप्ति में, सुसुप्ति को कौन जानेगा, न सुसुप्ति प्रसिद्ध सुसुप्ति प्रसिद्धि न सार दृष्टि लोपो भवे देती, यदि आत्मदृष्टि का भी लोप हो जाता हो अभाव होता हो उस काल में तो सुसुप्ति प्रसिद्ध नहीं हो पाए। जन्मनाशादिहानायम अतो दृष्टि परात्मा नहीं, परमात्मा रूप जो दृष्टि है दृष्टि जन्मनाशादि का जन्म और विनाश का हानि करने वाली दृष्टि है, जन्म रूप विनाश करने वाली का ठीक है हमें होते हैं। इतना से आत्मदृष्टि अनाशनी का न इत्यादि का सुसुद्धि की प्रसिद्धि भी नहीं होगी, न तो अनुमान आदेवता सिद्धि रहा पूर्वादि बोलेगा अनुमान से सुसुद्धि की सिद्धि हो जाएगी, अनुमान से सिद्ध हो जाएगा आत्मदृष्टि की आवश्यकता क्या, अनुमान करेंगे हम कूटस्थ दृष्टि आई थी क्या ले रहा है कूटस्थ दृष्टि से, अनुमान से सुसुद्धि की सिद्धि हो जाएगी, पूर्वादि बोले ये ठीक नहीं क्यों, तद व्याप्त लिंगाभाव है तद अनुत्थाना उसके संबंधी हेतु होना चाहिए, सुसुप्ति में आत्मदृष्टि नहीं है करके हेतु होना चाहिए, ये प्रतिज्ञा होगी सुसुप्ति आत्मदृष्टि नहीं क्या हेतु दो, यदि हेतु नहीं है तो अनुमान से सिद्ध नहीं होता ये कहते हैं, तद व्याप्त लिंगाभाव है तद अनुत्थानात्मा अनुमान की उत्थान नहीं हो सकता। पूर्वादि बोलेगा कि अच्छा अहम स्वप्न जागरातराले दुखादि हम स्वप्न वहाँ आत्मदृष्टि का अभाव है सुसुप्ति काल में, क्यों आत्मज्ञान यदि होता सुसुप्ति में दुखादि का अनुभव होना चाहिए था, दुखादि का अनुभव नहीं हुआ यही अनुमान करेगा पूर्वादि, न हम मैं स्वप्न और जागरण कराले स्वप्न और जागरण के मध्य में बीच में सुसुप्ति है उस अवस्था में दुखादि अनुभव शून्य दुखादि अनुभव शून्य यहाँ पर, यदि आत्मदृष्टि होता तो दुखादि का अनुभव होना था नहीं हो रहा है दुखादि अनुभव का शून्य, तत्कालीन तदीय स्मरण भी रहित सुसुप्तिकालीन तदीय स्मरण दुखादि के जो स्मरण हो रहा था उसका अभाव वाला रहा उसका, इस कारण से आत्मदृष्टि नहीं है सिद्ध हो गया, आत्मदृष्टि यदि होती तो वहाँ दुखादि का अनुभव का ये क्या अनुभव होना था स्मरण होना था नहीं हो रहा है आत्मदृष्टि नहीं है, ये पूर्वादि का अनुमान यही है। अहम ये पक्ष है स्वप्न जागरण वाले स्वप्न और जागरण दोनों के बीच में मध्य में दुखादि अनुभव में सुनने पूर्वादि अनुमान करा दुखादि का अनुभव से रहित था मैं उसका रहित था कोई अनुभव नहीं हुआ क्यों, तत्कालीन तदीय स्मरण भी रहित हुआ सुसुप्तिकालीन जो होगा जागृत और स्वप्न के बीच काल जो होगा सुसुप्तिकाल उसका तदीय स्मरण दुखादि के स्मरण है रहित होने से पाषाणवत इतिहास जैसे पत्थर है, जैसे पत्थर है पत्थर में सुसुप्तिकालीन दुखादि का अनुभव से रहित वाला स्मरण से रहित है पत्थर हेतु है वहाँ और साध्य भी है दुखादि अनुभव शून्य भी दुखादि का अनुभव नहीं होता पत्थर को पाषाण को, तो इसके द्वारा अनुमान के द्वारा सिद्ध होता है आत्मदृष्टि वहाँ नहीं है, आत्मदृष्टि होती वहाँ
तो उस समय दुखादि का अनुभव होना चाहिए था, ये पूर्वाधिक मान दिया। तो सिद्धांत बोलते हैं तदीय स्मृति अभावश्य, जो दुखादि का स्मरण जो यहाँ नहीं हो रहा है, दुखादि के अभाव का स्मरण यहाँ नहीं होता, तदीय स्मृति अभावश्य, वो जो दुखादि का जो स्मरण का अभाव यहाँ हो रहा है, दुखादि का अनुभव नहीं हुआ करके स्मरण हो रहा है जागृत में हुआ, उपेक्षणीय क्रीड़ा रहो, जिसकी उपेक्षा होती है, जो ग्रहण भी नहीं किया जाता त्यागा भी नहीं जाता है, ऐसा होता है जो ग्राह्य भी नहीं त्याज्य भी नहीं, उपेक्षणीय क्रीड़ा दी है वहाँ, अनुभवाभाव भाव असाधक, अनुभव का अभाव का साधक नहीं करता वो हेतु, अनुभव का अभाव नहीं असाध्य विचारित हेतु विचारी है, जो तत्कालीन तदीय स्मरण भी रहे तो हेतु के विचारी होने के, अतो दृष्टि रेव कुटस्था, जो दृष्टि कुटस्थ जो दृष्टि हुई तत्साधिका, उसको सिद्ध करने वाली जो सुषुप्ति में अनुभव शून्य था वो सिद्ध करने वाली कौन होगी, कुटस्थ दृष्टि, उसे सिद्ध होना है साधिका यदि वहाँ होगा, कुटस्थ दृष्टि रे आत्मा यदि उत्तम प्रसाद है, कुटस्थ दृष्टि आत्मा है, आत्मा और कुट नित्य दृष्टि में भेद नहीं है, जो कहा उसका जन्मनाशादि हाना यम कहा था, ये जन्म जन्म और मृत्यु करते नाश करने वाली दृष्टि यही आत्म दृष्टि, ये बताया था बाकी नहीं कहा था, जन्मनाशादि हाने यम ये कहा था, जन्मनाशादि को नाश करने वाली दृष्टि है नाशाध्याना यम, अतो दृष्टि परात्मा जो परमात्मा की दृष्टि ऐसी दृष्टि है, आत्मा की दृष्टि जन्मनाश जन्म मृत्यु आदि का नाश करने वाली है, ये कहा, समय हो गया है आगे फिर करेंगे, नहीं रखते ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ओम शांति।